एक लोहार था, उसने एक बढ़ई के लिए हथौड़ा बनाया। हथौड़ा बहुत ही सुंदर और मजबूत बना था। हथौड़े की सुंदरता और मजबूती देख बढ़ई ने सोचा, क्यों ना लोहार से एक हथौड़ा और बनवा लूं। बढ़ई लोहार के पास गया और बोला, तुम मेरे लिए एक हथौड़ा और बना दो, लेकिन इस बार जो हथौड़ा बनाना वह पहले वाले हथौड़े से भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। लोहार ने बढ़ई की बात सुनी और विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं, यह तो नहीं हो पाएगा। बढ़ई लोहार की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आखिर क्यों? तुम्हें तो तुम्हारा मुंह मांगा इनाम मिलेगा, फिर तुम इसके लिए मना क्यों कर रहे हो? लोहार ने कहा, दाम की बात नहीं है, मैं जब भी कोई चीज बनाता हूँ पूरी योग्यता और लगन के साथ बनाता हूँ। आपके लिए हथौड़ा बनाने के लिए मैंने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। अब आप ही बताइए, मैं इससे अच्छा और सुंदर हथौड़ा कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ और कहता हूँ कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यह होगा कि पहले वाले हथौड़े को बनाने में मैंने कोई कसर बाकी रख दी थी, इसलिए इस हथौड़े को मैं और भी ज़्यादा सुंदर बना सकता हूँ। लेकिन यह तो सत्य नहीं है, मैंने आपके लिए पहले ही पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हथौड़े का निर्माण किया है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के लिए कोई भी कार्य करो तो उसे पूरे तन मन से करो, मेहनत से करो, उसे अच्छे से अच्छा बनाने में कोई भी कसर बाकी मत छोड़ो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी सबसे बड़ा खजाना कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।